वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज टॉपिक है वर्ड पावर 14। इस सीरीज में कुछ और नए 10 वर्ड आपके पास है। और आज के वर्ड्स हैं ब्रेविटी, ब्रोच, बीकॉलिक, ब्यूरोक्रेसी, बर्सन, बर्लेस्क, कैकोफोनी, कैडेंस, कैजुअल और कैनो। एज यूजुअल आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं या तो एटमोलॉजी से या माइंड मैपिंग से या निमोनिक बना करके, और साथ साथ में हमें हर वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है, क्योंकि जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होगा आप सेंटेंस को यूज नहीं कर पाएंगे, और सेंटेंस का जब तक यूज नहीं आता है तब तक आपकी ग्रामर इंप्रूव नहीं होती है। तो ये देखते हैं बच्चों, पहला वर्ड ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफनेस, BRIEFNESS, ब्रीफनेस, संक्षिप्तता, या शॉर्टनेस, SHORTNESS, या कंसाइसनेस, CONCISENESS। तो बच्चों ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफनेस, शॉर्टनेस, कंसाइसनेस, संक्षिप्तता कहलाता है। ब्रेविटी ब्रीफ से बनाया गया, ब्रीफ एडजेक्टिव है और ब्रेविटी हो जाता है नाउन। जैसे इन द फंक्शन द ऑडियंस बिकम वेरी हैप्पी विद द ब्रेविटी ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की ब्रेविटी से ऑडियंस बहुत खुश हो गई, या आप कह सकते हैं यू लाइक द ब्रेविटी ऑफ माई एक्सप्रेशन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रोच। ब्रोच का मतलब होता है टू ओपन अप अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन, DISCUSSION। तो ओपन अप सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन का मतलब होता है किसी विषय पर बात करना, ब्रोच करना होता है, किसी नाजुक विषय पर बात करना ब्रोच। जैसे इन इंडिया नोबडी वॉन्ट टू ब्रोच ओवर रिलीजियस इशूज, धार्मिक मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता है। और ब्रोच से बन जाता है ब्रोचर, जो किसी बात की कुछ इंफॉर्मेशन देता है, बताता है। इफ आई ब्रोच यू समथिंग देन आई एम अ ब्रोचर। देखा गया स्कूलों में भी कुछ पंपलेट मिलते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रोचर कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक होता है रस्टिक, RUSTIC, रूरल, RURAL, रस्टिक, रूरल, कंट्री लाइक, CONTRYLIKE, या चार्मिंग, आकर्षक, एक ऐसा आकर्षक जो आकर्षण सिर्फ गांव में मिलता है। इफ यू लिव इन अ विलेज देन यू एंजॉय अ बिकॉलिक ब्यूटी। अगर आप गांव में रहते हैं बच्चों तो कैसी ब्यूटी एंजॉय करते हैं, बिकॉलिक कह सकते हैं। इन द सिटी पीपल लैक बिकॉलिक ब्यूटी, या पीपल आर लॉन्गिंग फॉर द बिकॉलिक ब्यूटी। तो बिकॉलिक होता है ग्रामीण, नेचुरल, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्यूरोक्रेसी। सिंपल सा वर्ड है, ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है अ रूल बाय ऑफिसर्स, OFFICERS, ऑफिसर्स की सरकार। आपको पढ़ाया है कि जहां पर क्रेसी वर्ड आता है उसका मतलब रूल होता है, और ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर्स, रूल बाय ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की सरकार ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। और ब्यूरोक्रेसी को चलाने वाला इंसान ब्यूरोक्रेट कहलाता है,
तो ब्यूरोक्रेसी से ब्यूरोक्रेट फर्क क्या है, ब्यूरोक्रेसी नाउन है, ब्यूरोक्रेट भी नाउन है, ब्यूरोक्रेसी रूल है और ब्यूरोक्रेट पर्सन बन जाता है, और ब्यूरोक्रेट का आपको एडजेक्टिव हो जाता है ब्यूरोक्रेटिक, क्या बन जाता है ब्यूरोक्रेटिक। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है वर्जन, वर्जन वर्ब है मतलब होता है टू एक्सपैंड, EXPAND एक्सपैंड होना, या फ्लोरिस FLORISH, या प्रॉस्पर PROSPER एक्सपैंड फ्लोरिस प्रॉस्पर वर्जन करना होता है। जैसे द सीड्स आर बर्जनिंग इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में बीज जो हैं बर्जन कर रहे हैं, फूल फल रहे हैं। या द वीट्स इन माई फील्ड्स आर बर्जनिंग, तो बर्जन हो जाता है एक्सपेंड करना, फैलना, फूलना। इसको देखिए लर्न कर लीजिए, हमने एक निमोनिक बनाई है, वर्जन बना लो बर्न, बर्न में चलना, तो जब आग बर्न करती है तो वो बर्जन होती है, फैलती है, एक्सपैंड करती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपको बर्लेस्क, बर्लेस्क मतलब होता है लूडिक्रस, LUDICROUS लूडिक्रस मजाकिया कहलाता है, मॉकिंग MOCKING लूडिक्रस मॉकिंग मजाकिया कहलाता है। इसे हम लैम्पून भी कह सकते हैं, इसे पैरोडी भी कह सकते हैं, इसे हम फनी रिडिकुलस मजाकिया कहलाता है। तो बर्लेस क्या है बच्चों, ये नाउन है। वी लव बर्लेस्क, बी लेस लव बर्लेस, अगर हम बर्लेस को पसंद करते हैं, इसमें मतलब वी लव लिसनिंग द ल्यूडिक्रस थिंग्स, फनी थिंग्स, इसको कह सकते हैं। स्टडी आई सा अ करेक्टर हु वाज स्पीकिंग बर्लेस्क, तो बर्लेस्क मीन्स होता है मजाकिया, फनी थिंग्स। बच्चों पैरोडी क्या होती है पता है, एक पैरोडी जो होती है एक व्यंगात्मक नकल होती है, किसी चीज की एक व्यंगात्मक नकल पैरोडी करना होता है, मजाकिया बर्लेस्क। अगला वर्ड है कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है हार्स साउंड, कठोर आवाज, कर्कश आवाज, या हार्स वॉइस कह सकते हैं, VOIC कठोर आवाज, कर्कश आवाज, कैकोफोनी। कैसे बनाया गया, कैको का मतलब होता है बैट और फोनी फोन्स बनाया गया, साउंड बैट साउंड, हार्ड साउंड, कठोर आवाज, कैकोफोनी। और कैकोफोनी का अपोजिट हो जाता है यूफोनी, EUPHONY मतलब प्लीजेंट वॉइस, मीठी आवाज। तो कैकोफोनी नाउन है और अपोजिट हो जाता है यूफोनी। जैसे आई डोंट लाइक कैकोफोनी, आई लव यूफोनी, मुझे कैकोफोनी यानी कठोर आवाज नहीं पसंद है, मुझे मीठी आवाज पसंद है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैडेंस, बच्चों कैडेंस का मतलब होता है रिदम, RHYTHM रिदम होता है। रिदम किसे कहते हैं, रिदम का मतलब होता है द राइज एंड फॉल ऑफ वर्ड्स, शब्दों का उतार चढ़ाव रिदम कहलाता है। बच्चों एक रिदम होता है और एक राइम होता है, राइम से राइमिंग स्कीम होती है, और रिदम और राइम दोनों ही कविता की आत्मा होती है, जान होती है। राइम होता है सेम साउंड, जैसे कोई कविता है अगर उसके लास्ट वर्ड में मतलब कोई जैसे कि काल है और अगला सेंटेंस हाल में समाप्त हो रहा है, तो काल और हाल ये आपकी कहलाती है राइम। और रिदम होती है राइज एंड फॉल ऑफ साउंड, शब्दों का उतार चढ़ाव कि वर्ड को कितने जोर से बोलना है, कितने धीमे से बोलना है, वो कहलाता है कैडेंस। तो इसको यूज कर सकते हैं कि विदाउट कैडेंस देर इज नो पोएट्री, कैडेंस के बगैर में पोएट्री नहीं होती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है कजोल, कजोल का मतलब होता है टू परसुएड, PERSUADE टू परसुएट समवन, टू परसुएट समवन टू डू समथिंग
does not want to do, यानी किसी को वह काम करने के लिए मनाना, फुसलाना, बहलाना जो वह नहीं करना चाहता है, कैजुअल करना होता है, जैसे कजोल करना होता है, कजोल वर्ब है, जैसे स्टडी माय स्टूडेंट्स कजोल मी टू टीच मैथमेटिक्स, अब जैसे मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है और बच्चा कहने सर पढ़िए पढ़िए, तो अगर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई तो क्या किया उन्होंने, कजोल करना होता है, फुसलाना होता है, बहलाना होता है। अब देखिए कजोल को लर्न करने के लिए बढ़िया से हमने एक निमोनिक बनाई है, कजोल्स बना लो, काजोल एक हीरोइन का नाम है, तो एक कहानी बना लीजिए कि काजोल इज अ ब्यूटिफुल हीरोइन, शी कैन कजोल यू, तो आपको कजोल कर सकती है, या शी कैन कजोल एनी यंग बॉय। बच्चों आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है कैलो। कैलो का मतलब होता है इमैच्योर, IMMATURE, इमैच्योर। इमैच्योर का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, INEXPERIENCED, इनएक्सपीरियंस्ड कहलाता है, या इमैच्योर इनएक्सपीरियंस्ड कहलाता है, या अनसोफिस्टिकेटेड, UNSOPHISTICATED, अनसोफिस्टिकेटेड कहलाता है। इसे हम नाइव भी कह सकते हैं, NAIVE, इसे हम टायरो भी कह सकते हैं, तो टायरो, बिगनर, नाइव, अनसोफिस्टिकेटेड, इनएक्सपीरियंस, इमैच्योर, कैलो कहलाता है, अनुभवहीन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट नॉट रीड फ्रॉम कैलो टीचर्स, विद्यार्थियों को कैलो टीचर्स से नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू कांट गेट मच फ्रॉम देम, आप उनसे बहुत कुछ नहीं पा सकते हो। तो कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड। कैलो से बना लीजिएगा थोड़ा सा एक लिंक, हमने बनाया है कल्लू, कि मेरा एक पड़ोसी कल्लू है, उसे कुछ नहीं आता जाता है, वो सब कुछ नया काम है करता है, तो पड़ोसी कल्लू इज कैलो, कल्लू कैसा है, कैलो है। तो फिर से इसी भरोसे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको ये सब वर्ड्स याद हो रहे हैं, आप इनको एंजॉय कर रहे हो, और आप आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने आप को बहुत ही मजबूत कर रहे हो। तो नेक्स्ट टर्न पर कुछ और नए वर्ड्स, नेक्स्ट वर्ड पावर सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।